व्यास होनी चाहिए। जब भी आप कोई काम करते उसके लिए बेचैनी होनी चाहिए, छटपटाहट होनी चाहिए, दिन भर उसी के इर्द गिर्द हमारा दिमाग चलना चाहिए कि ठीक है, जैसे एक फिश मछली बिना वाटर के कैसे छटपटाती, वैसे आपको तड़प होना चाहिए अपने टारगेट के लिए, तक पहुंचने के लिए, गोल के लिए। जो सड़क पर सोते हैं वो आईआईटी जा सकते हैं बच्चों, तो आपके साथ तो मुरली जी जैसे गाइड हैं, आप क्यों नहीं आईआईटी जा सकते, आपके लिए तो बहुत मामूली बात है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। हमेशा अभ्यास, मेहनत करते रहे, 12 घंटा 14 घंटा बोल रहे थे ना मुरली भाई कि बच्चे क्या करते हैं, अपने आप प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट करते हैं, लगे रहते हैं, दिन रात एक करके पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चा एकदम थक रहा है, बीमार जैसा, फिर भी पढ़ रहा है, हम पूछते बेटा थोड़ा आराम करो, लो 10-20 रुपया, जाओ चाय पी के आ जाओ, घूम के आ जाओ सड़क पर से, नहीं सर मुझे आपका सपना पूरा करना, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, इसलिए मेहनत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस, ग्रेट पेशेंस, असीम धैर्य चाहिए बच्चों आप में। जितनी मेहनत करते रहे पेशेंस रखिए, जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी रात अंधेरी हो रही है, बच्चों सवेरा उतना ही नजदीक आ रहा है, ये भाव से तुम्हें पढ़ना है। और चलते चलते एक मंत्र दे रहा हूं, याद रखना कि पेशेंस के साथ मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। हमेशा याद रखना कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बच्चों भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है। कभी हिम्मत ना हार, कभी हिम्मत ना हार, और मेहनत कर, तुम्हारी भी तकदीर जरूर बदल सकती है। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।